रिवाल्वर दियां गोलियां मिगी बचपन च गीटियां कन्नै खेडी दियां खेडां चेता करांदियां। हम लोग अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते थे ताकि लोगों को पता चले कि जम्मू में भी एक हिंदी तो नहीं, डोगरी भी एक लैंग्वेज है। एक स्वाभिमान सीरियल होता था उस दौरान जो महेश भट्ट जी का सीरियल था, तो उन्होंने कहा था कि उनको एक लड़का चाहिए जो कुछ एपिसोड्स में, उस दौरान बहुत बड़ी बात होती थी उनके सीरियल में जाना, एंड जब उसमें आशुतोष राणा भी थे। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ है दिखाने को, बताने को, लोकेशंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं। हमें 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 बॉम्बे में जाके वहां पे स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप यहाँ पे आप काम करोगे ना, यहाँ पे इतना कुछ है कि लोग बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं। जब भी आप एक काम करते हो, आप एक छाप छोड़ते हो, एक आपका टैलेंट आप में होना चाहिए और वो टैलेंट एक छाप बन के रहना चाहिए ताकि दुनिया ता उम्र तक लोग याद रखें कि हाँ ये एक्टर था। लेकिन वो चीजें तभी आ सकती हैं जब आप उसको फुली प्रॉपर तरीके से सीरियसली लो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाय हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है सर आपका हमारे चेक पर डिजिटल के इंस्टाग्राम लाइव सेशन में। मैंने कहा कि थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया और हमारे इस लाइव अरे सेशन बहुत को आपने बहुत ज्वाइन आप किया। सो नाइस, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने जो एक इनिशिएटिव लिया है और ये जो इंस्टा का ये प्रोग्राम शुरू किया है टेक वन ने, इससे हमारा जो टैलेंट है लोगों का, जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग उन्हें जान पाएंगे, समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मैं मेरी हर तरफ से मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। प्लीज कंटिन्यू। और स्टेज से मेरा एक गहरा ताल्लुक रहा है, स्टेज एंड टीवी। जैसे हमारा यहाँ जम्मू का एक दूरदर्शन था जो हमारी एक वर्कशॉप रही, दूरदर्शन एंड देन उसके बाद डीडी का शेयर एंड देन जी, फिर स्टार प्लस एंड करते करते फिर फिल्म्स में आया। और अभी बस काम चल रहा है, हम लोग किसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आफ्टर कम्प्लीशन माई गीटिया एंड देन आफ्टर कम्प्लीशन माई दिस गैंगवार 84। जैसे आपने आप एक एक्टर है, मतलब कि आपने एक नाम बनाया है, आप एक अमिट छाप है आपका, आपके नाम की, तो किस तरह शुरू हुआ? मतलब आप बचपन से ही एक्टिंग में शौक रखते थे कि आगे जाके कुछ ऐसा सोचा कि माइंड में कुछ स्टिक किया कि नहीं मेरे को इस लाइन में जाना है? एक्चुअली मेरी जो स्कूलिंग एंड देन उसके बाद मेरे फादर जो थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, ही वाज रिटायर्ड एज एसएसपी फ्रॉम द उधमपुर। एंड जब वो रजौरी से यहाँ पे आए तो मैंने यहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई, उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उस दौरान मेरा शौक तो था ही मुझे कि चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं या मैं कुछ इस किस्म का कुछ करना चाहता हूँ ताकि लोग जाने। एक हर एक इंसान के अंदर एक कोशिश रहती है, एक्टर तो हर इंसान के अंदर होता, तो मेरी ये कोशिश थी कि चलिए मैं फील्ड में आऊं। तो यहाँ आने के बाद मुझे मौका मिला स्टेज ज्वाइन करने का, मैंने स्टेज ज्वाइन किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो एक वर्कशॉप रहती है यहाँ पे, 40 डेज की वर्कशॉप होती है जिसमें एक्टर को सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप एक्ट करते हैं, किस तरीके से आप डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, स्क्रिप्ट को रीड कैसे करते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीखी। वो वर्कशॉप मेरी 40 डेज की थी। वो एमके रैना जी डायरेक्टर जो थे थिएटर के, वो आए थे, उन्होंने एक प्ले भी यहाँ पे किया था और ये स्टेज जो मूवी वर्कशॉप थी मूवी को क्रिएट की, तो हमने उनके अंडर काम किया। देन उसके बाद फिर मुझे वहां से मेरी मुलाकात मुश्ताक काग जी से हो गई, मैंने उनका एमेच्योर थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। और जब वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया तो फिर हम लोग क्या करते थे कि स्टेज करते थे कहीं पे, आउट ऑफ स्टेट भी गए हम लोग, बॉर्डर एरियाज के शोज होते थे, नुक्कड़ नाटक होते थे, छोटे छोटे स्टेजेस करते थे। तो उसके बाद फिर मेरा जो आहिस्ता आहिस्ता टीवी की तरफ मेरा रुझान हुआ। यहाँ डॉक्टर सोनलाल कौल जी हैं कश्मीर से, जैसे शबीर मुजाहिद साहब हैं, उमर जी हैं, इनके साथ मेरा काफी रहा, तो उन्होंने मुझे टीवी में इंट्रोड्यूस किया और बस आहिस्ता 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 सब चलता गया और यहाँ तक पहुंचे। जी,
सर आपका सफर मुंबई का भी रहा है, मतलब आपने वहां पर सीरियल्स किए हैं, आपने वहां पर बॉलीवुड मूवी भी की है, तो वो सीरियल जो महेश भट्ट जी ने आपको ऑफर किया था, तो उसके बारे में बताएं कि वो जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी वो सीरियल की। मैं यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने एडमिशन लिया था जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो मेरे को एक मुंबई से कॉल आया था कि आप एक स्वाभिमान सीरियल होता था उस दौरान जो महेश भट्ट जी का सीरियल था, तो उन्होंने कहा था कि उनको एक लड़का चाहिए जो कुछ एपिसोड्स में, उस दौरान बहुत बड़ी बात होती थी उनके सीरियल में जाना, एंड जब उसमें आशुतोष राणा भी थे, वाजपेयी भी थे सीरियल में, तो मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। यहाँ से मैं कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर में था, एंड सेकंड सेमेस्टर के बाद मैं यहाँ से निकल गया, तो वहां जाके जब उन्होंने मेरे को एक ऑडिशन लिया देखा, एंड उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि नहीं यू आर फिट फॉर दिस रोल, तो मैंने वहां पे काम किया और बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम यहाँ तो हम लोग एक कैमरा में काम करते हैं, और वहां जाके जब वो मल्टी सेटअप में आप काम करते हो, तीन तीन चार चार कैमराज होते हैं, और वहां पे आपको वो यहाँ जैसे क्लोज काटते हैं, ओएसएस काटते हैं, मास्टर शॉट लेते हैं, तो वहां ये सब नहीं था, तो मल्टी सेटअप में जब तीन चार कैमराज में आप काम करते हो, तो मुझे खुद भी बाद में पता चला कि मेरे क्लोज भी यहीं से कट रहे हैं और मास्टर भी यहीं से कट रहा है, तो सीखने का मौका मिला और मैंने सीखा भी उससे काफी, मुझे एक बहुत बहुत ज्यादा मतलब जो उसके बाद मुझे मल्टी सेटअप में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई वो काम करने के बाद। जी सर, इस दौरान आपने एक फिल्म भी की है रुसलान, बॉलीवुड मूवी। रुसलान मूवी जो थी ये हमारे मुंबई में मोहन शर्मा है, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया था, एंड जगदीश शर्मा एंड मुकेश शर्मा इसके प्रोड्यूसर्स थे, और इसमें मौसमी चटर्जी की लड़की को, बेटी को, उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, मौसमी चटर्जी की बेटी को, मेरा उसमें सेकंड लीड में रोल था, राजीव शर्मा इसके जो थे प्रोड्यूसर भी थे और एक्टर भी थे। तो जब मैं यहाँ से गया तो उन्होंने मुझे पहले सेलेक्ट किया, मेरे को स्क्रिप्ट दिया जैसे कि नॉर्मल सब जगह होता है, ऑडिशन होता है, तो बस उसके बाद सेकंड टाइम फिर उन्होंने मेरे को कॉस्ट्यूम्स के लिए बुलाया, एंड देन उसके बाद जब जाके मैंने वहाँ पे शूटिंग की इसकी, कोई मेरे बोर्ड को 10-15 दिन का शूट था कमालिस्तान स्टूडियो में इसकी शूटिंग की, तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, उसमें स्मिता जैकर थी, शहबाज खान थे, गणेश यादव जो हमारी गीतियां फिल्म में SSP बने हैं, उन्होंने रोल भी किया है हमारी गीतियां फिल्म में, तो स्मिता जैकर, असरानी, शहबाज खान, काफी लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया, और बहुत एक अच्छा और बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, जब उन लोगों के साथ आप काम करते हो, वो लोग जो ऑलरेडी जिनको आप बचपन से देखते आए हो, तो एक बड़ा अच्छा सा एक एक्सपीरियंस रहता है। मतलब जिन लेजेंड्स को आप टीवी पे देखते हैं उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात है, तो आपने उनके साथ काम किया और इतना नाम कमाया। सर, जिस तरह आप एज एन एक्टर हैं, आपने इतनी हार्डशिप्स देखी होंगी अपनी लाइफ में, आज जो बच्चे जैसे कि काफी आपने देखे होंगे रील्स बनाते हैं, वीडियोस चढ़ाते हैं और चाहते हैं कि हम भी एक्टर बन जाए, हालांकि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास क्योंकि टैलेंट बहुत है, बट उनको एक वे नहीं मिलता है आगे जाने के लिए, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको लगता है कि जैसे कि हम लोग रील्स बना ली, हम लोग कुछ भी कर लिया तो हम एक्टर बन गए, लेकिन आप उन्हें बताएं कि किस तरह कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं एक एक्टर बनने के लिए। देखिए, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को ले लेते हो, आप एक इंजीनियर को ले लेते हो, एक डॉक्टर को ले लेते हो, उनको भी सीखने के लिए 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। जैसे डॉक्टर रहता है वो पहले MBBS करता है, फिर इंटर्नशिप करता है, फिर MD करता है, फिर स्पेशलाइजेशन करता है, फिर उसके बाद जाके वो मास्टर बनता है अपने फील्ड का। इसी तरीके से कोई भी जो बच्चे हैं आज के रील बना रहे हैं, रील, मेरे को तो ये चीज आज तक समझ में नहीं आई कि रील, आज आप अगर रील बनाते हैं तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट डे आप भूल जाते हो कि वो रील किसकी थी, या एक महीने के बाद आपको याद भी नहीं रहता कि रील का स्टार कौन था या एक्टर कौन था, जब वो सामने आता, हाँ यार ये वो आदमी था, इसकी मैंने वो रील मैंने देखी थी। जब भी आप कोई काम करो, आप उसे एक दिन या एक महीना या 6 महीने के लिए मत करो। अब जैसे हमारे बड़े बड़े स्टार्स थे, जैसे बड़े बड़े सिंगर थे जो दुनिया में नहीं है, जैसे संजीव कुमार थे, संजीव कुमार एक दिन या 10 दिन या 6 महीने के लिए नहीं आए थे, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी 2 दिन के लिए नहीं आए थे, बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं आज जो दुनिया में नहीं है, जैसे स्मिता पाटिल थी, फारूक शेख थे, ये लोग 4 दिन के लिए नहीं आए थे। जब भी आप एक
काम करते हो, आप एक छाप छोड़ते हो, एक आपका टैलेंट आप में होना चाहिए और वो टैलेंट एक छाप बन के रहना चाहिए ताकि दुनिया ताउम्र तक लोग याद रखें कि हाँ ये एक्टर था। लेकिन वो चीजें तभी आ सकती हैं जब आप उसको फुली प्रॉपर तरीके से सीरियसली लो। मैं तो पहले पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि पेरेंट्स जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, पेरेंट्स उनको प्रॉपरली सपोर्ट करें। जब तक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं ये मानता हूँ कि ये फील्ड बहुत अच्छा है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं चाहे जो नई जनरेशन जो इस फील्ड में आना चाहती है, बहुत अभी तो बहुत स्कोप हो गया। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कर सकते हो, FTI में जा सकते हो, आप फॉरेन में जा सकते हो, आप उनके कोर्सेज कर सकते हो, मॉडलिंग के कोर्सेज है, एक्टिंग के कोर्सेज है, डायरेक्शन के कोर्सेज है, सिनेमाटोग्राफी के कोर्सेज है, आप ये सब कर सकते हो। और करने के बाद फिर देन उसके बाद आप अपनी दुकान खोलिए और सामान बेचिए। अभी एक रील बनाने से मैं उन बच्चों को बोलूंगा कि आप उससे पहले अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो आप स्टेज कीजिए, पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए, वर्कआउट कीजिए अपनी बॉडी पे, अपनी फिजिक पे, अपनी लैंग्वेज पे, आप अपने आप डायलॉग्स पे। बच्चों को अब आप देखोगे रील वाले बच्चे को अगर आप बोलोगे कि चार लाइंस बोलो, बोल नहीं पाएगा। उसके लिए जब तक कि आप थिएटर नहीं करो, जब तक आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ो, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ो और अपने एक्सेंट पे, अपनी लैंग्वेज पे वर्क ना करो, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है या उर्दू है, कुछ भी है, उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज चाहिए, आपको एक वर्क चाहिए उसके लिए, तो फिर आप उसमें पाएंगे। इट्स नॉट अ सडनली फ्लाइट के आप आए तो इट्स नॉट अ कप ऑफ टी के लिए आए एंड वो आप एक्टर बन गए, या कोई ऐसा पीने से आप बहुत अच्छे एक्टर बन जाओगे, कोई ऐसी मेडिसिन मिले कि आप एक रात में पियो और सुबह आप बहुत अच्छे एक्टर हो, ऐसा नहीं है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस जो आपको लेना है। बहुत अच्छी बात बोली सर, जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं कि कम से कम उनको ये समझ आएगी कि हर एक चीज कुछ भी करने के लिए एक मेहनत की जरूरत पड़ती है, कुछ भी आपको अगर हासिल करना है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सर अब हम बात करते हैं फिल्म गीतियां की, जिसने एक जम्मू कश्मीर पे एक अमिट छाप कहते हैं, मतलब एक डोगरी को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म जो बनाई गीतियां, आप हमें सर ये बताएं कि उसका जो ये गीतियां बनाई है जो इसमें क्या मकसद था इस फिल्म को बनाने के पीछे, क्योंकि जम्मू के जो डोगरी लैंग्वेज है इसे इतना आगे लिया नहीं जाता है या किसी भी लैंग्वेज को कहा जाए तो, लेकिन आपके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया कि डोगरी को प्रमोट किया जाए और एक ऐसी फिल्म बनाई गई जिसमें काफी डोगरा आर्टिस्ट को लिया गया जिनको आगे आपने लाया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए डोगरा डोगरी लैंग्वेज मतलब मैं ये कहूंगा कि एक मीठी लैंग्वेज है। हम लोग बचपन में, मैंने डोगरी बोली है, बचपन में मैं डोगराज के साथ रहा हूं। जब राहुल जी ने और हम लोगों ने, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग एक फिल्म बनाना चाहते हैं, तो मुझे पहले सबसे पहले मेरे माइंड में ये आया कि हम लोग पहले घर जीतेंगे दुनिया बाद में जीत लेंगे। पहले हमें ये चाहिए कि पहले अपना टैलेंट हम जम्मू में दिखाएं। ठीक है, जब भी आप एक अच्छा खाना किचन में बनाते हैं तो आपके घर वाले आपको इंस्पायर, अच्छा खाना बनाते हो यार आप तो कमाल कर देते हो, क्या रेसिपीज है, क्या बढ़िया खाना बनाया, इस बेटर कि आप एक रेस्टोरेंट खोलो, आप एक होटल की चेन खोलो। वो आप एक वो जो आपको इंस्पायर किया जाता है वो आपके घर के लोग होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके अपने लोग होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। हम भी तो जानना चाहते थे कि हम कहां स्टैंड करते हैं, हमारे में टैलेंट कितना है या हम लोग कितना काम लोगों को हमारा पसंद आएगा। और वो है अभी, जब राहुल ने एक कॉन्सेप्ट सुनाया और हमने इसको प्रोड्यूस भी किया और राहुल ने कॉन्सेप्ट सुनाया तो मैंने कहा ठीक है यार बहुत बढ़िया, एक गैंगवार के ऊपर एक फिल्म बनाते हैं, 80s का गैंगवार दिखाते हैं। हमारा गैंगवार 80s का था भी यहाँ पे और हम बहुत छोटे थे तब, जब ये हम लोग सुनने में आता था कि यार वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो गैंगस्टर ऐसा था, तो उस पे एक राहुल ने 6 महीने साल काम किया उस स्क्रिप्ट के ऊपर। देन उसके बाद हम लोगों ने शूट किया जम्मू की गलियों में, छोटी छोटी गलियों में, जम्मू के बहुत सारी गलियां हमें देखने को मिली, वो सब चीजें जो हम लोग मिस कर रहे थे या वो नई जनरेशन जो उस दौर को नहीं जानती थी। जैसे उसमें हमने दिखाया कि वो कुश्ती करते हुए अखाड़े में कुश्ती कर रहे हैं, वो गलियों में भाग रहे हैं, टी स्टॉल पे चाय पी रहे हैं, वो सब चीजें जो नई जनरेशन को हमने दिखाई और उनको पसंद भी आई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते थे ताकि लोगों को पता चले कि जम्मू में भी एक हिंदी तो नहीं, डोगरी भी एक लैंग्वेज है। कश्मीरी यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं कि हमारी स्टेट में 50 किस्म की लैंग्वेजेस हैं। आपको पता होगा कि देखो ना, भद्रवाही अलग है,
डोडा की अलग है, रियासी में अलग बोला जाता है, कश्मीर की कश्मीरी है, देन लद्दाखी है, फिर पहाड़ी है, फिर गोजरी है, फिर बकरवाली है, फिर उसके बाद जम्मू की डोगरा डोगरी बोली जाती है। तो डोगरा जो इतने भी हमारे हैं वो जम्मू शायद उधमपुर से कठुआ तक ही है जो हम डोगरा की बात करें। तो हम चाहते थे कि ये एक एक जो जितने भी डोगराज हैं हमारे यहाँ पे एक ऐसी लैंग्वेज, ताकि जिसको जिसका डंका बॉम्बे में बजे, जिसका डंका जब हम कोलकाता फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गए तो वहाँ लोगों को पहली बार पता चला कि डोगरी लैंग्वेज भी है। हमारी फिल्म को जब दादा साहब फाल्के एप्रिसिएशन अवार्ड मिला तब पता चला कि डोगरी लैंग्वेज है। जब मुझे एक्टर अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, तब लोगों को पता चला कि ये डोगरी लैंग्वेज आज लोगों को पता है। और जब जब बॉम्बे के लोग यहाँ आके हमारे पास काम किया, उनको लगा यार ये तो कमाल है, ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं जो काम करने वाले हैं और ये काम जानते भी हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो लोकल आर्टिस्ट थे, जो हमारे हमारे टेक्नीशियंस थे, उनको उनके उन टेक्नीशियंस के साथ काम करने का मौका मिला, फाइट डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, उन एक्टर्स के साथ हमें भी काम करने का मौका मिला, हमारे एक्टर्स को काम करने का मिला मौका। अब जो भी हम नई फिल्म हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें मुंबई में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे पीपल नो कि भैया इन्होंने गीतियां बनाई थी, उसमें यशपाल शर्मा भी थे, उसमें गणेश यादव भी थे, उसमें जो सिंगर्स थे वो मास्टर सलीम, जावेद अली और सुरेश वाडकर साहब थे, कमाल खान थे, भव्या पंडित थी। तो ये सब लोग आप क्या करते हो कि अब उन लोगों को भी पता चला है कि एक डोगरी लैंग्वेज है और यहाँ पे एक फिल्में बनती है और एक बहुत अच्छी फिल्म गीतियां बनी थी और जो हमने बनाई और इस अपने लोगों के लिए और अपनी लैंग्वेज के लिए बनाई। और शायद आगे इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले को मंजूर हुआ तो हम आगे और बनाते भी रहेंगे अपने जम्मू के लोगों के लिए। सर जैसे आपने बोला कि जैसे लोगों को आपने उम्मीद एक दिलाई गीतियां आपने एक फिल्म जो बनवाई है जिसमें आपने इतना अच्छा किरदार निभाया और जिसमें जम्मू के कितने आर्टिस्ट ने काम किया जिसकी पहचान बाहर जाके लोगों को मिली कि डोगरी भी एक भाषा है। तो अब तो जाहिर सी बात है लोगों की उम्मीदें तो होंगी ही कि मतलब अब एक और ऐसी फिल्म आनी चाहिए जिसमें उनको और रोल मिले तो और वो आगे निकल के आए। सर गीतियां का एक डायलॉग बहुत मशहूर था, गोलियां मिकी बचपन, तो थोड़ा सा सर उसके बारे में बता दें, एक वो डायलॉग प्लीज बता दें सर। वो एक्चुअली जब राहुल जी ने मुझे बोला तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि मतलब डोगरी में डायलॉग कैसे बोलेंगे, फिल्म डोगरी में कैसे बनाएंगे। लेकिन मुझे उस दिन समझ में आया कि अब प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन होती है ना वो बहुत मैटर करती है। तो हमारे यहाँ पे जो जम्मू में जो फिल्में बन रही थी या बनी थी उन लोगों ने बुरी नहीं बनाई थी, अच्छी बनाई थी, लेकिन लेकिन उन फिल्मों में जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया जा रहा था लोगों के आगे वो एक कॉमेडी के रूप में आ रहा था कि यार डोगरी क्यों नया कर, डोगरे नया शैल नया ये करने ही एंड डोगरी। तो जब एक राहुल ने जब वो डायलॉग लिखा कि रिवॉल्वर दिया गोलियां, ये पेबल्स के ऊपर है, गीतियां था पेबल्स, पेबल्स होता है छोटी छोटी जो गीतियां जिनके बचपन में आप खेलते थे ना, वो वो ये उसकी बात कर रहा है कि रिवॉल्वर दिया गोलियां मिगी बचपन च गीटियां कने खेडी दियां खेडा चेता करन दियां, फिर देन मैं लाकर देता। और जब ये डायलॉग हमने टीजर पे जब उसने टीजर बनाया और ये डायलॉग जब मैंने डिलीवर किया अरे मैंने बोला कमाल है यार क्या बात है यार। एंड वो गन वो लेके हाथ में जब वो डायलॉग से दिया तो मुझे किसी एंड से भी लगा नहीं है कि ये किसी हिंदी फिल्म की बड़ी फिल्म की के डायलॉग से कम है। तब मुझे पता चला नहीं प्रेजेंटेशन जरूरी है और हमें इस तरीके से अपनी डोगरी को प्रमोट करना चाहिए और प्रेजेंट करना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये भी एक लैंग्वेज है। तो वो एक बहुत बढ़िया एक मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें। जी सर, अपनी आने वाली फिल्म्स के बारे में कुछ बताएं कि आगे आप क्या कर रहे हैं, आगे कहाँ देखेंगे हम आपको फिर से? अभी 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 आई होप के एक आध महीने में हमारी जो एक नई फिल्म जो मैंने इस दौरान की थी क्योंकि काफी काम नहीं किया था तो मुझे एक ऑफर हुआ रोल, अभी शक्ति कपूर जी आए थे और शहबाज खान जम्मू आए थे तो उसमें मैंने एक रोल किया है जो एक गैंग वॉर फिल्म आ रही है गैंग वॉर 84 उसमें मैंने परफॉर्म किया है एंड आई होप कि वो नेक्स्ट मंथ में वो रिलीज हो जानी चाहिए। लोग कुछ काम कर रहे हैं लगे हैं, अब वो फिल्म कैसी बनी है या कैसी लोगों को लगेगी वो तो ऑडियंस ही बताएगी। तो हमने अपना जो एक मेरा रोल था वो मैंने जिस तरीके से जितना मुझे आता था मैंने बेटर करने की कोशिश की और परफॉर्म मैंने उसमें किया है और अब आप लोग बताएंगे कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। एंड देन उसके बाद अभी हमारी अपनी जो
पिछले 4 साल, 3-4 साल से कोविड के दौरान हम लोग कर नहीं पाए, तो ये था नील तस्कर। तस्कर एक हमारी एक फिल्म, पहले हमने फिल्म के लिए प्लान किया था, अभी हम शायद उसको वेब सीरीज के लिए लेके जाएं, तो हमने उसको पिच किया है, 2-4 कॉफी हाउसेज में पिच किया है, तो आई होप कि वो 1-2 महीने में उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो हम लोग, वो भी हमारे यहाँ यहीं की हमारे स्टेट की फिल्म है, नील तस्कर, नीलम के ऊपर बेस्ड है। नीलम जो पाडर में नीलम निकलता है, पाडर की किश्तवाड़ में सुना होगा आपने, इंस्पायर नीलम, जो आप रिंग जिसकी आप वो पहनते हो ना उंगली में, वो नीलम उसके ऊपर सारा बेस्ड है, वो किस तरीके से स्मगल होता था या किस तरीके से क्या होता था, तो उसके ऊपर वो सारा ताना बाना हमारे राइटर ने बुना हुआ है। और वो बहुत बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, और आई होप कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। और हमारे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ है दिखाने को, बताने को, लोकेशंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, हमें 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 बॉम्बे में जाके वहां पे स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप यहाँ पे आप काम करोगे ना, यहाँ पे इतना कुछ है कि लोग बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं। कितनी फिल्म बनी है यहाँ पे आके आप देखिए, हैदर फिल्म यहाँ पे शूट हुई है आके, मतलब पुरानी तो सारी फिल्में जम्मू कश्मीर में ही शूट हुआ करती थी पहले की पहले। अच्छी ऐसी ऐसी बढ़िया लोकेशंस हैं, और ऐसे बड़े मतलब भंडार, बहुत कुछ छुपा पड़ा है, हमारे खजाने भरे पड़े हैं, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है कि हमें किस तरीके से लोगों के आगे पेश किया जाए। सर, आपकी आने वाली फिल्म्स के लिए हमारी तो बेस्ट विशेष हैं, क्योंकि आप जिस तरह जम्मू कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं, वहां के आर्टिस्ट को आगे लेके जा रहे हैं, तो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की बेस्ट विशेष आपके साथ है, ताकि आपकी आने वाली फिल्म बहुत ही उम्दा हो। तो सर, जाने से पहले जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जितने भी आर्टिस्ट जुड़े, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जितने भी जम्मू के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं? जम्मू के आर्टिस्टों को मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं, और बहुत बहुत मैं दुआओं में हमेशा उन्हें याद रखता हूं कि हमारे जो जम्मू आर्टिस्ट जो होता है ना, बड़ा एक मासूम होता है, एक आर्टिस्ट जो होता है बड़ा एक सीधा होता है, उसे कोई वो इतना ज्यादा वो क्लेवर नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जम्मू के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी कलाकार हैं, मैं अगर किसी काम, किसी गाइडेंस में अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या आपकी आपको मेरे से कुछ चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो, अगर आप मुझे इस काबिल समझते हो, तो आप कभी भी मेरे पास आप आ जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जो आज नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उन्हें ये कहूंगा कि ड्रग्स से दूर रहें। जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बाहर से ड्रग्स बहुत आ रहा है, जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, अब फ्रस्ट्रेट होकर लोग ड्रग्स भी लेते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, मैं उन लोगों को कहूंगा कि आर्टिस्ट को मेंटली शार्प होना चाहिए, फिट, फिजिकली फिट होना चाहिए। अगर आप इन चीजों में पड़ जाओगे तो आप इस फील्ड में कभी भी आगे नहीं आ पाओगे। और इन चीजों से दूर रहिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, और मैं उन पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उन्हें क्रिटिसाइज मत कीजिए, उन्हें समझिए, उनको उनको जानिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। और हमारे जो पुराने लोग, पुराने पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। और मैं बच्चों को भी कहूंगा कि आप भी पेरेंट्स को अच्छे तरीके से समझिए, और जो कहते हैं अंडर देयर गाइडेंस आप काम कीजिए, और उन्हें ये सब उन्हें जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है दोनों के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की और इतना कुछ सिखाया आपने हमें कि एक एक्टर बनने के लिए क्या करना है, किस तरह करना है। थैंक यू सो मच अपने इतना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।